हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बीपीएससी का फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है आपका, बिहार टीचर का, 15 तारीख से। लेकिन देखिए, एक समस्या है आपका। क्या समस्या है ताइए आपको बताते हैं। देखिए, बीपीएससी का जो इस बार का जो विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था टीचर का, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिहार के स्थायी निवासियों को ही टीचर में ऑनलाइन कर सकते हैं, समझ गए। दूसरा चीज़ क्या है कि अब निवास, अस्थाई निवास का दो अवधि है, समझ गए। एक है कि आपको आरक्षण चाहिए तो पिता के नाम का पिता से आपको आवासीय बनाना होगा, बिहार का होगा तब मिलेगा आपको। मान लीजिए किसी का पति के से आप आवासीय कर रहे हैं, अस्थाई निवास दे रहे हैं, तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से पेपर में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई लड़की का दिल्ली में, मान लीजिए उसका घर होगा पिता, और बिहार में उसका शादी हो गया, समझ गए, तो उस लड़की को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन वो टीचर का फॉर्म अप्लाई कर सकती है अपने पति के निवास के स्थान पर। देखिए लिखा हुआ है कि उत्क्रमित विद्यालय गोपालपुर में नियोजित शिक्षक के पद पर निशा कुमारी कार्यरत है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से विद्यालय अध्यापक नियुक्ति की परीक्षा को लेकर आवेदन भरना है, मगर निशा इस आवेदन को भर नहीं पा रही है। मुजफ्फरपुर में ब्याही गई निशा का मायका दिल्ली में है और वहीं से पढ़ाई लिखाई भी हुई है। अभी भी निशा के पिता भाई सभी दिल्ली में ही हैं। मुश्किल यह है कि वह आयोग के निर्देशानुसार जब अपना जाति और आवासीय पिता के पते यानी दिल्ली से बनवाएगी तो उसका बिहार के स्थानीय निवासी की शर्त के तहत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलेगा, बल्कि आवेदन भी निरस्त हो जाएगा। क्योंकि आपको बताए हुए हैं कि पहले भी बीपीएससी टीचर का जो नोटिफिकेशन, उसमें बिहार के स्थायी निवासी होंगे तभी आपको टीचर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह पीड़ा अकेले निशा की नहीं है, बल्कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, बेतिया समेत विभिन्न जिलों में दूसरे राज्यों से आई बहुओं का है। दूसरे राज्यों से आई बहुओं का पता मायके का पता साफ कर रहा है। बहुओं ने कहा कि सालों से हम बिहार में रह रही हूँ, पर मायके का पता दिया तो आरक्षण का लाभ कौन कहे, आवेदन भी निरस्त हो जाएगा। और अगर यहाँ का पता दिया जाए, यानी अपने पति का निवास का पता दे रहे हैं, तो आवेदन कर पाएंगे मगर आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा, समझ गए। अब वो समान कोटि से, मान लीजिए कोई ओबीसी में होंगे, तो इसमें जो लिखा हुआ है कि आवेदन कर पाएंगे मगर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। 15 जून से आवेदन करने की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी तादाद में ऐसे महिलाएं आयोग की शर्तों को लेकर मुश्किल में है। पहले के नियोजित शिक्षकों के साथ ही भी छठे चरण की नियुक्ति में बहाल बड़ी संख्या में, यानी बहुत छठा चरण में ऐसा कोई नियम नहीं था, उसमें कोई भी जगह का कोई भी यहाँ के जॉब कर सकता था। समझ, नियुक्ति में बहाल बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी ऐसी है जिनका मायके झारखंड, यूपी से लेकर एमपी है। महिलाओं ने कहा कि हम नौकरी कर रहे हैं मगर इस नियुक्ति में अपना दावा नहीं कर पाएंगे, समझ गए। मान लीजिए इसका शादी नहीं हुआ है, कोई यूपी की है, तो उसका कोई दावा नहीं होगा, वो छठा चरण में जॉब करेगी लेकिन वो बीपीएससी वाला एग्जाम नहीं दे सकती। अब देखिए, यह है बीपीएससी का निर्देश। लिखा है कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति में आवेदन करने के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आरक्षण को लाभ लेने को विवाहित महिलाओं का जाति, आवासीय प्रमाण पत्र उनके पिता और पति के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम से। यहाँ समझिए कि आप पति के नाम से आप अस्थायी निवास देते हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन पिता के नाम से आप दीजिएगा, समझ गए, तब आपको क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, जो लिखा हुआ है, समझ गए। लिखा है कि बिहार में ब्याही गई और शिक्षक की नौकरी कर रही सूबे से बाहर की महिलाओं को मुश्किल। बीपीएससी का निर्देश है कि बिहार के मूल निवासी को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ, समझ गए। तो ये चीज़ है आपका, जो भी लोग है वो चीज़ कर सकते हैं, समझ गए।